गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्ष प्रांत के पैगामे इंसानियत और मोहब्बत वतन का सम्मेलन हुआ संपन्न। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, मुसलमान और हिंदुओं की संस्कृतियों से हमारे पूर्वजों का डीएनए एक था और एक रहेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण व मंजली सड़क सुरक्षा समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रीपेड टैक्सी चलाने के दिए निर्देश। ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 12 टीमें कर रही है प्रतिभाग, पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों साहिल अली उर्फ यासिर अली और जैनुल आब्दीन उर्फ जैब को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान का किया गया आयोजन। रैली निकालकर लोगों को एड्स के प्रति किया गया जागरूक। ऑपरेशन सवेरा के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों को बीट कांस्टेबल डायल 112 घर पहुंचकर करेगी पंजीकृत। किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस करेगी मदद। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजू पटेल को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को सीएमओ कार्यालय से निकाली गई जन जागरण जागरूकता रैली को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, एड्स के प्रति समाज में कई तरह के मिथक और भ्रांतियों का खंडन कर जागरूकता का संदेश देना है रैली का मुख्य उद्देश्य। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, नजला, बुखार और बदन में अकड़न सहित अन्य मौसमी बीमारी से लोग हो रहे हैं बीमार। जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव करते हुए निकले घर से बाहर, ठंडे खाने के सामान का बिल्कुल ही ना करें सेवन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्ष प्रांत का पैगामे इंसानियत व मोहब्बत वतन का सम्मेलन इलाहीबाग स्थित एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक एवं आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि गोरखपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपना एक जलसा संपन्न किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 20 साल का सफर तय किया है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 325 जिलों में यूनिट है। 2000 से अधिक स्थानों पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इकाइयां गठित हैं। लगभग 10 लाख से अधिक इसके सक्रिय सदस्य हैं, जो देश भर में इसका झंडा लिए हुए घूमते नजर आते हैं। 10,35,000 गोहत्याबंदी के लिए मुसलमानों का हस्ताक्षर ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया था। धारा 370 व 35A देश को तोड़ती है, मुल्कों को बांटती है। इसके लिए 8,27,000 हस्ताक्षर ज्ञापन भी राष्ट्रपति को दिया गया। सबके पास रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत हो, यह तभी संभव हो सकता है जब जात पात मजहब व पार्टी से ऊपर उठकर एक बनेंगे व नेक बनेंगे। इसका नारा एक हिंद जय हिंद, आओ एक बने और नेक बने। संस्कृतियों से हमारे पूर्वजों से हमारा डीएनए एक था एक रहेगा। लोगों को आज इस बात का दुख है कि वह चाहते थे कि माइनॉरिटी और आरएसएस हमेशा लड़ते रहे ताकि उनकी
पॉलिटिक्स चलती रहे। उनकी पॉलिटिक्स थी मुसलमान को और कसूरवार बनाना, इस्लाम को बदनाम करना और भयभीत कर अपनी रोटी सेकना। दुनिया के अंदर विवाह और निकाह ईश्वर निर्मित करता है, इसमें किसी भी तरह की बेईमानी और धोखा होना ईश्वर के प्रति गद्दारी है और मानवता के प्रति बेईमानी। इसलिए लफ्ज जिहाद अब तक पिछले सालों में जो भी सामने आए हैं वह कहीं ना कहीं छुपाना और बाद में नाजायज रूप में धर्म बदलने के लिए दबाव डालना अपराध है। इसलिए निकाह व विवाह में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजा हुसैन रिजवी, अब्दुल शाहिद, राजीव श्रीवास्तव, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्ष प्रांत, याकूब अली, मौलाना तकरीर, कासिम अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा, शानदार वक्त तक बेहतरीन विचार सुनने के लिए आप बैठे हमारे भाई साहब डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी मंच पर आ चुके हैं। आप हजरात बैठिए। मंच पे भाई साहब के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजा रघुवीर जी का आगाज हो चुका है। हम चाहेंगे कि हम सबके मार्गदर्शक आलिया जनाब श्री फरमा, दीगर मुअज्जज हजरात और मेरे सामने बैठे हुए उलमाए किराम, मुअज्जज हाजरीन, इस पर बोलने के लिए तो बहुत समय चाहिए, क्योंकि नबी करीम जो आयत मैंने आपके सामने कुरान पाक की पढ़ी है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आलमीन का लफ्ज़ है, उलमाए किराम जानते हैं और उर्दू से जो वाकफियत रखने वाले हजरात हैं वो भी जानते हैं, आलमीन जमा है, आलम दुनिया को कहते हैं, तमाम दुनिया के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत भरा था। और 23 साल आपकी जिंदगी आप उपदेशक नहीं थे, आप हमारे तरह जो नमूना पेश किया है, अगर इंसानियत हम तमाम लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को और आपके मानने वालों को मक्के में रहना दुश्वार कर दिया, की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मदीना हिजरत करने, आप मदीना हिजरत करके चले गए और 8 साल के सोचे कि अल्लाह से, खुदा से, रब से, ईश्वर परमेश्वर वाहेगुरु से जो उससे रूबरू होते हैं, जो हकीकत से मुलाकात कर लेते हैं, उन्हीं को देवी देवता नबी पैगंबर माना गया। जो मालिक को जान ले और मालिक की हकीकत के इलम को, सच्चाई को, उनके द्वारा दी गई तहजीब को, रोशनी को सब तरफ फैलाएं, इन राष्ट्रीय मंच से इस तहरीक को चलते हुए 20 साल हो गए। 20 साल में हिंदुस्तान के 25-30 सूबों में 5-7 यूनियन टेरिटरीज में के लगभग डिस्ट्रिक्ट में 2,500 स्थानों पर इसने अपना सफर लगभग 25 लाख से अधिक मुसलमानों से डायलॉग, लद्दाख कश्मीर से लेकर केरल कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर आसाम मणिपुर तक किया, करोड़ों
तक ये आवाज गई है, परंतु ये सफर की शुरुआत है। सारी दुनिया के अंदर मालिक ने कानून दिया है, एक मुल्क, उस मुल्क का एक कानून, उसका एक तबसरा यानी संविधान, एक झंडा, एक नागरिकता, एक राष्ट्रगान से दुनिया का हर मुल्क चलता है। बदकिस्मती से 47 के हुक्मरानों से कुछ गलती हो गई, इसलिए उन्होंने 370-35 के ए के द्वारा दो मुल्क, दो झंडे, दो संविधान बना दिए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यह जो खुदाई मिलन था, एक मुल्क, एक नागरिकता, एक झंडा, एक संविधान, इसको रोशनी मानकर 8,27,000 हस्ताक्षर मुसलमानों के हिंदुस्तान भर में इकट्ठे किए, फिर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को दिए। उस समय के प्रेसिडेंट महामहिम प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह से हम लोगों के सामने फोन पर बात की और दो बातें कही। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में 6 मुस्लिम सदस्य थे, 6 के 6 ने 370 के विरोध में बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कलम मुल्क को तकसीम करेगी और हिंदुस्तानियों में दरार पैदा करेगी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेज बाहर निकाला है, एक वतन एक कौम के रूप में हिंदुस्तान तरक्की करेगा। जिन्होंने पंडित नेहरू को कहा था, हम इस कलम का विरोध करते हैं जो भाईचारा खत्म करेगी और मुल्क को तोड़ेगी, इसलिए उन्होंने बाइकॉट किया। और ये छोटी सी तंजीम है मुस्लिम माना पटेल ने किया, नहीं तो देश के 300 टुकड़े हो गए। और जय हिंद सुभाष ने किया, मैं एक हिंद कहूंगा, आप जय हिंद, एक हिंद, एक हिंद। और मैं कहूंगा आवाज दो, सब कहेंगे हम एक हैं, आवाज दो, मैं कहूंगा हम कौन, आप कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, हम 7 बार कहेंगे हम कौन, हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। इसकी कवाली आवाज दो, आवाज दो, आवाज की जय, आज गोरखपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपना एक जलसा संपन्न किया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 20 साल का सफर तय किया है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 30 के लगभग सूबों और यूनियन टेरिटरीज में हिंदुस्तान में काम है। 350-350 जिलों में इसकी यूनिट्स हैं। 2000 से अधिक स्थानों पर कस्बों वगैरह में मिलाकर इसका जो है
इकाइयां गठित हैं। लगभग 10 लाख से अधिक इसके 28,000 हस्ताक्षर, यह ज्ञापन भी राष्ट्रपति को दिया था। 3 लाख गैर इस्लामिक, गैर इंसानी रिवायत है जो ना कुरान पाक के अनुसार, ना ही जो नबी पैगंबर हुए उनकी सुन्नत हदीस के अनुसार जायज है, उसका आंदोलन चलाना, मुकदमे में मदद करना और अल्टीमेटली 8.5 करोड़ औरतों को जुल्म से बचाना और 8.5-9 करोड़ मर्दों को जुल्म करने वाला बनने से बचाने का एक नायाब काम किया है। इसका मिशन है दुनिया में जंग ना हो, अमन आए, भारत में मजहब के नाम पर दंगा ना हो। हिंदुस्तानी तहजीब कहती है अपने मजहब पर चलो, दूसरे के मजहब की इज्जत करो, ना कि उसकी आलोचना करो और दखल करो, बल्कि अच्छा है कि हर मजहबी फंक्शंस में और शामिल हो ताकि कोई बांट और भड़का नहीं सके। सफाई वाला पर्यावरण वाला मुल्क हो, जातीय छुआछात के पाप से मुक्त हो, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर है उनको प्यार करे, गले लगाए, सम्मान दे और मदद करे, ताकि कोई ना रहे नंगे बदन, कोई ना हो बिना छत के, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना रोटी के, सबके पास इज्जतदार कमाई हो। यह तभी हो सकता है जब हम जात से, मजहब से, पार्टी से, भाषा से ऊपर उठकर और भूगोल से ऊपर उठकर एक बनेंगे और नेक बनेंगे। इसलिए इसका नारा है, आवाज़ दो हम एक हैं, एक हिंद जय हिंद, आओ एक बने नेक बने। और इस प्रकार से एक सपनों से, आकृतियों से, पूर्वजों से और परंपराओं से हम सबका डीएनए एक था, एक है, एक रहेगा। हम ना विदेश के हैं ना विदेशी हैं, इस एहसास के साथ यह जलसा इसी संकल्प के साथ आज पूरा हुआ। सर, आरएसएस की क्या विचारधारा बदल गई क्या मुसलमानों के प्रति? ऐसा है, आपका प्रश्न ही वह बेबुनियाद भी है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा जो थी, है, वही थी, वही है और वही रहेगी। बदल इतना ही हुआ है कि मुसलमानों ने हजारों लाखों में आरएसएस को अप्रोच किया, जो नेताओं ने बताया, जो मजहबी नेताओं ने बताया और बदकिस्मती से जो मीडिया में छपा, ये आरएसएस की असलियत नहीं है। आरएसएस को बदनाम करके दिखाया गया और बताया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आरएसएस से सीधे डायलॉग करके आरएसएस को हम समझें, क्योंकि गली मोहल्ले में हमें आरएसएस ना वैसा डरावना लगा ना ये है। आरएसएस हमें रोज की ज़िंदगी में लगा, बताया था इनकी हुकूमत आएगी, 5 साल से अधिक हुकूमत अटल जी की रही, अब 8 साल से ऊपर की हुकूमत 9 साल की नरेंद्र मोदी के हो गए, ना हमारे घर उजड़े हैं, ना हमें ऊपर कोई जुल्म हुआ है। जो हमें बताया गया था वो गलत बताया गया था, बल्कि हमें तो आयुष्मान के रूप में, सस्ते लोन के रूप में छत, मुफ्त के अंदर कुछ ना कुछ अनुदान, आयुष्मान का कार्ड, फिर कहीं ना कहीं शौचालय, ये सब मिल रहे हैं जो बिना भेदभाव के हर जात को, मजहब के और दल के आदमी को मिले हैं। इसलिए यह और वार्ता तेज गति से बढ़ी, मुसलमानों में एक जागृति आई कि वो सिर्फ मजहब मजहब के नाम से जिंदा है,
जबकि जिंदा उन्होंने होना चाहिए था, क्योंकि मजहब जन्नत और जन्नुम का फैसला नहीं करता, अच्छे और बुरे का फैसला नहीं करता, किरदार और वतन फैसला करता है। और इसलिए यह डायलॉग चला। लोगों को आज इस बात का दुख है, वो चाहते थे कि ये माइनॉरिटी और आरएसएस हमेशा लड़ते रहें ताकि उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे। उनकी पॉलिटिक्स थी मुसलमान को और कसूरवार बनाना, इस्लाम को बदनाम करना, भयभीत करके अपनी रोटी सेकना। अब इस युग का धीरे धीरे ख़त्म होने का रास्ता खुल गया। सर, अल्पसंख्यकों की आबादी, बढ़ती आबादी को लेकर ये ताकि इनसे खतरा है, जो अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है, तो आरएसएस ऐसा है कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक बढ़ते हैं तो खतरा है, आपका ये वाक्य प्रश्न के रूप में सच है तो आपको बहुत बधाई है, सच नहीं है तो आपने इसको सच माना है, इसके लिए आपको बहुत बधाई है। एक बात पक्की है कि आज दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, समय बता रहा है, हालात बता रहे हैं और दुनिया के देश भी बता रहे हैं ये 650 करोड़ होनी चाहिए, 150 करोड़ से ज़्यादा अधिक हो गई है। इसलिए पूरी दुनिया जनसंख्या संतुलन के लिए कानून बना रही है, रास्ते खोज रही है। भारत की स्थिति इसमें थोड़ी अलग है। भारत के पास दुनिया में जितनी ज़मीन उपलब्ध है ईश्वर से, उसका 4% आज हमारे पास है, जबकि हम 1757 और उससे पहले लगभग 150-200 लाख वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान था। 1857 में 83 लाख का था। 1947 के अंदर हम सब मिलाकर विभाजन होने से पहले और 50-55 लाख थे। आज़ादी के बाद हम 32 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है। दुनिया की 4% धरती हमारे पास है। आज हमारी आबादी के अनुसार वो हमें 7-8% चाहिए। आबादी हमारे पास 130 करोड़ से ऊपर है, यानी 17% ऑफ दी है। या तो दुनिया इस आबादी को बांटे ताकि हमारा संतुलन हो जाए, या दुनिया हमें ज़मीन दे ताकि हमारे पास आबादी के अनुसार ज़मीन हो जाए। फिर इसी के साथ साथ दुनिया हमें कहती है, और ये हकीकत है, कुछ लोग और नेता ऐसे हैं पार्टियों के और मजहब के जो कहते हैं कि भाई आज की डेमोक्रेसी में हुकूमत उसके हाथ में है जिसके पास वोट का हथियार है, इसलिए वो मजहब के नाम पर अपील करते हैं। ऐसा अखबारों में आता रहता है, नेताओं के नाम और बयान भी आते रहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ये चर्चा चली है कि मजहब जात के नाम पर जनसंख्या बढ़ाकर यह तो फिर मुल्क को मजहबों में तोड़ देगी, यह रास्ता तो जात में बांट देगी, यह देश में दंगे और नफरत पैदा कर देगी। तो यह खतरनाक साजिश है जो अच्छी नहीं है। नेचुरल वे में जाओ ताकि हर एक अच्छा परिवार हो, फलता फूलता पढ़ा लिखा नौकरी वाला छत वाला परिवार हो। इसलिए जो लोग मीडिया के अनुसार और दिखाई भी देते हैं, बोलते भी हैं, भाषणों में भी आता है, छप पर आता है, मीडिया में डिबेट में भी आता है, मजहब के नाम पर जनसंख्या बढ़ाकर कब्जा करना सीटों पर, ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं, तो यह भी एक खतरनाक साजिश है। टू ब्रेक द नेशन, टू डिवाइड द नेशन। इसलिए भारत के अंदर और कई मुल्कों में ऐसी साजिश देखने के कारण वहाँ के लोग कहते हैं बढ़ती जनसंख्या, किन्हीं भी कारणों से बढ़ती जनसंख्या, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, ताकि समान वितरण हो चीज़ों का और सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको छत मिल सके, सबको रोटी मिल सके, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए। ये सारी दुनिया की मांग है, भारत में भी सब लोगों की ये मांग है। कोई इसको मजहब के नाम पर जब बांटता है, इसका मतलब है कि वह देश में हारमोनी नहीं चाहता, वह देश में दंगे चाहता है, तो वह शैतान के रास्ते पर है, वो देश की शांति और भाईचारे के रास्ते पर नहीं है। इसलिए देश में ये है, मेरा इतना कहना है कि इस पर डिबेट चल पड़ी है, सार्थक डिबेट हो। मैंने लाखों मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, SC ST से भी डायलॉग किया। वो कहते हैं
कि जो हमें ये कहते रहे थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ा देख एमएलए एमपी जीतेगा, वो तो हुआ नहीं। पर वो नेता तो हो गए करोड़पति अरबपति, हम वही के वही गरीब हैं, जलालत में हैं, अनपढ़ता में हैं, बेरोजगारी में हैं। मालिक ने कहा था इतनी संतान कर जिससे तू उनको लायक बना सके और ज़्यादा संतान करे और वो अपराधी अनपढ़ जलालत वाले बेरोजगारी वाले बने, यह तेरे लिए शैतान है। तो इसलिए आज वहाँ पर भी जागृति है, पर चंद नेता बांटने की भड़काने की लड़वाने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सब देश की जनता को सावधान करें, ये मेरा निवेदन। सर अभी आपने एक चीज कही कि अगर शादी करनी हो आपको तो आप अपनी धर्म बता के करें, धर्म छुपा के क्यों करते हैं? तो क्या ये जो लव जिहाद का एक नया चल रहा है इसमें आप ऐसा है, दुनिया के अंदर विवाह और निकाह यह ईश्वर निर्मित करता है, उसमें किसी भी तरह की बेईमानी और धोखा होना ये ईश्वर के प्रति गद्दारी है, मानवता के प्रति बेईमानी है। इसलिए अपने उनको जीवन भर जीना है, अगर दबाव में जिएंगे जबरदस्ती में जिएंगे तो जिंदगी कलह बन जाएगी, जिंदगी नरक बन जाएगी। इसलिए लव जिहाद आदि चीज़ों के अंदर अब तक पिछले सालों से जो भी सामने आई चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सत्य छुपाना और बाद के अंदर नाजायज राग से नाजायज रूप में दबाव डालना धर्म बदलने के लिए, जबकि भारत के अंदर और दुनिया के सब धर्म कहते हैं तो किसी भी धर्म से इबादत कर, वह सब एक मालिक की इबादत है, एक ईश्वर की है। फिर जब इस्लाम भी कहता है, सनातन भी कहता है, दुनिया के धर्म भी कहते हैं कि निकाह किसमें होगा, विवाह किसमें होगा, मालिक रचता है, इंसान ने उसको ज़िंदगी भर निभाना चाहिए। इसलिए निकाह और विवाह में लुकाव छुपाव नहीं चाहिए, धर्मांतरण नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं चाहिए, बल्कि खुले और सरल मन से और महिला पुरुष ने जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए विवाह और निकाह करने चाहिए, ताकि उनके घरों में और देश में कम्युनिटी में और गंदगी ना फैले, जहर ना फैले, अपराध ना बढ़े, हत्याएं ना बढ़े। नहीं तो आज इस छुपा छुपाई के अंदर रोज कोई दिन नहीं जाता है जब किसी ना किसी का कत्ल होते हुए नहीं देख रहे हैं, किसी को मरते और मारते हुए नहीं देख रहे हैं। क्या हम ऐसा हिंदुस्तान पसंद करेंगे? क्या ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए? अगर सब कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो फिर इसमें जो खराब है उससे मुक्त होकर जो अच्छा है उससे युक्त होकर ही निकाह और विवाह संपन्न होने चाहिए। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण व मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि जनपद में ई रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए अपर जिला अधिकारी, पुलिस परिवहन और नगर निगम के अधिकारियों की समिति बनाकर मार्गों को चिन्हित करते हुए उनका संचालन कराया जाए। उन्होंने टोरेंट गैस के अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि किया जाए। उन्होंने एआरएम रोडवेज को निर्देश दिया कि फरेंदा से महाराजगंज तक रोडवेज बसों का संचालन सही से हो और उनकी सूची एआरटीओ महाराजगंज को दें। इसके अलावा मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत किया जाए जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो, तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई किया जाए, साथ ही ट्रैक्टर सहित मालवाहक वाहन पर रिफ्लेक्टर लगवाया जाए। उन्होंने मंडल के हर जनपद में वाहनों के स्टैंड एवं विराम स्थलों को चिन्हित करने के अलावा हाईवे के किनारे पर खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि मंडल के चारों जनपदों में प्रतिमा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से हो। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने पर बल देते हुए कहा कि एआरटीओ, एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारी भी निगरानी करें, एनएचआई के सड़कों पर अवैध कटों को बंद करें और हाईवे पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एआरटीओ संजय झा,
TSI धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर आए नहीं है सर, लेकिन हम लोगों ने अभी सर 10 दिन पहले मीटिंग की थी ना, वहाँ पे GTA में जाके आपने कहा था सर GTA क्या उसमें कर दीजिए मीटिंग, तो हमने ऐसी ट्रैफिक साहब ने सबने की थी सर वहाँ पे, तो उन लोगों का सर ये मत था कि हम जब एक्सटेंशन खुला बन रहा है सर 2 महीना लगेगा सर, उस एक्सटेंशन में एक आपको काउंटर हम प्रीपेड टैक्सी पर करेंगे और उसी में ही हम बस वो 2 महीने वही करेंगे सर टेंडर, उनको बता दीजिए जो टेंडर का प्रक्रिया तो शुरू कर दे सर, हम लोग की दिक्कत क्या है, आप कल भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को वहाँ छोड़ने गए थे तो आप देखेंगे तो सब सड़क का खड़ा है सर, ठीक है। अच्छा कौन, मैं ये चाह रहा था जैसा दिल्ली में बैंगलोर में मुंबई में होता है कोई एक चीज़ हो जाए, चाहे वो करे या चाहे आप करें या चाहे GDA के माध्यम से, वो जो हम लोगों ने ये कहा था कि जो वहाँ पे चारूचंद ट्रस्ट का 10 एकड़ जमीन जो नगर निगम को वो रेंटल पे दिए थे, उसी ज़मीन पे हम लोगों ने कहा है कि GDA के माध्यम से कोई आपको पार्किंग का व्यवस्था और गाड़ियों का मूवमेंट का व्यवस्था एक चीज़ करवा लीजिए। GDA सचिव के यहाँ से सर ये डिस्कशन हुआ था सर, अभी आज के दिन में आपको पता भी नहीं चलता है कौन किस गाड़ी में बैठ के चलेगा, ठीक है, और कल कोई भी घटना होती है नहीं, बट वहाँ क्या है आज के दिन में वो क्या रहा है, आपने देखे होंगे सभी लोग 4 व्हीलर्स जो टैक्सी वाले हैं और वो सब खड़े रहते हैं, पता क्या है कोई भी गाड़ी में होगा हमारे गाड़ी में होता है तो उसमें क्या होता है बाई चांस किसी ने किसी गाड़ी में बैठ गया, सोचो बाई चांस कोई इवनिंग टाइम में गए ना, CCTV कैमरा है ना, वो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं हमको आइडिया है, तो कहीं पर भी कहीं बाई चांस मिस हो गया कोई चीज़ हो गया या उनका कोई सामान गाड़ी में छूट गया, वो उतर गया है, बाद में पता चला उनका कीमती जमीन प्रॉपर्टी का ही कोई बैग छूट गया है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा गाड़ी में वो बैठे हुए हैं, कम से कम हमको, मैंने ये बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि एक प्रक्रिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ये करें कि टेंडर का प्रोसेस करा करके, ठीक है, टेंडर का प्रोसेस करा करके किसी एजेंसी को फाइनल करें, वहाँ CCTV कैमरा लगे और हमें केवल इतना पता चले कोई भी वहाँ से आए हुए हैं वो किस गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहाँ गए तक गया है और उस गाड़ी का नंबर क्या है, वो ड्राइवर का डिटेल्स क्या है, सो दैट कल एनी इंसिडेंट ऑल्सो वी शुड बी एबल टू ट्रैक, ओके ये आए थे फॉर एग्जांपल टूरिस्ट, बहुत लोग आते हैं, अब वो टूरिस्ट किस गाड़ी में बैठे हैं कहाँ गए हैं, कोई हम इधर कोई दिखाने के लिए ले जाएंगे कब, तो कोई भी इंसिडेंट के लिए हम लोगों को मौका नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको पिछली बार सर काम हुआ था सर उसकी अवलोकन है सर, हम लोग पिछली बार सर रेट्रोफिटमेंट के लिए 2 लोगों को हम लोगों ने प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया था। उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के 4th अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया जो 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित 12 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने फीता काटकर गुब्बारा छोड़कर व नारियल तोड़कर तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि ब्रह्मलीन अवैधनाथ की स्मृति में प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है, खेल के क्षेत्र में कबड्डी कुश्ती पारंपरिक खेल है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों के माध्यम से आगे आने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है
जो खेलों के माध्यम से प्रत्येक विभाग में 2% नौकरी का आरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि खेलों में प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार में संसाधन सुविधा की तरक्की की है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में केवल 5 गोल्ड मेडल मिले थे, लेकिन इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल में 21 गोल्ड मेडल मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश के कुल 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस अवसर पर खेल निदेशक आरपी सिंह, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही, धीरज सिंह, हरीश, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह, पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीडा अधिकारी चंद्र, विजय सिंह, भारतीय कुश्ती टीम के कोच सुशील कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ननीत सहगल ने कहा, और इसी क्रम में हमारे बीच में नन्हे बच्चे ग्रुप डिस्प्ले कर रहे हैं, से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी शीघ्रता से, और आपके निर्देशिका जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम आप शीघ्रता से इस डिस्प्ले को चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड अपर मुख्य सचिव महोदय सर के सम्मुख प्रस्तुत कराएं। सर, ये नन्हे बच्चे बेसिक शिक्षा विभाग के सरदार नगर स्कूल से हैं। जो तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से स्थान पर खड़े होकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय खड़े होकर के स्वच्छंद आकाश में बैंड धुन के साथ गुब्बारा उड़ाया जा रहा है। करकल ध्वनि के साथ उद्घाटन सत्र का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों से इस शुभारंभ कार्यक्रम के उपरांत हम मंच पर उपस्थित ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में जो कबड्डी का राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहा है, उसका उद्घाटन के अवसर पर मुझे बड़ी खुशी है मैं आज यहाँ उपस्थित हो पाया। और इस पूरे टूर्नामेंट के पीछे जो प्रेरणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है, योगी आदित्यनाथ जी की, और श्री गोरखनाथ मठ जो है वो परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारे पारंपरिक शिक्षा है, पारंपरिक खेल है, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान समाज में कर रहा है, तो प्रशंसनीय है। आज के युग में जहाँ हमारा युवा क्रिकेट और टेनिस जैसे ऐसे ग्लैमरस खेलों के पीछे भागता है, वहीं जो हमारे परंपरागत खेल हैं जिनसे ज्यादा संख्या में हमारे युवा जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कुश्ती, कबड्डी, मलखम्ब, ये जो ऐसे हमारे परंपरागत खेल हैं जो कि गांव में हमारे युवा खेलते हैं, उसको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा हैं वो पूरी इस खेल व्यवस्था से दूर रहेंगे। तो उस क्रम में ये आज का जो टूर्नामेंट है ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है, और प्रशंसनीय है कि इस प्रकार के कार्यक्रम की, इस प्रकार के टूर्नामेंट की प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एक कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति जो प्रदेश में हुई है, ये सारा जो उपक्रम जितने हैं, चाहे वो सामाजिक हों, खेलों के हों, वो तभी ये सब कार्यक्रम हो पाते हैं जब आदमी को मानसिक रूप से महसूस होता है कि हाँ अब शांति। कानून व्यवस्था की एक बेहतर स्थिति ने ये स्थिति पैदा की है कि आज सब लोग अपने सामाजिक कार्यक्रम हों, खेल के कार्यक्रम हों, व्यावसायिक कार्यक्रम हों, बड़े खुशी से और बड़े सम्मिलित होकर कर रहे हैं। प्रदेश में विदेशों से भी लोग आकर यहाँ निवेश कर रहे हैं, औद्योगिक निवेश का एक नया माहौल बना है, तो ये पूरा जो एक इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं समाज में जो पैदा हुआ है, उसको साथ में रखते हुए पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने का जो एक
कार्यक्रम में बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी घोषणा अपने मुखारविंद से करें। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे रेस्पेक्टेड मुख्य अतिथि महोदय ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज चतुर्थ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2022 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। एक मिनट और हमारे आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट श्री नवीन सहगल सर, अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एवं रेस्पेक्टेड निदेशक खेल विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर आरपी सिंह सर एवं आदरणीय महासचिव उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ श्री राजेश कुमार सिंह जी सर से रिक्वेस्ट है कि पूजा मंच पर हमारे अतिथि स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियों के साथ सर को स्वागत है इस अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरस्कार। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में होने वाले इस कबड्डी टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ है। पारंपरिक खेलों को जो आप नई नए खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जो ग्रामीण युवा हैं उनके मनपसंद के जो खेल हैं जिनको वो खेलते हैं उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक बहुत अच्छा ये प्रयास है।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से ये टूर्नामेंट 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और ये कबड्डी लीग के अलावा ये अकेला टूर्नामेंट है जिसमें कि नगद धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। इस क्षेत्र में कबड्डी कुश्ती ये पारंपरिक खेल हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाएं जो हमारी हैं इन खेलों से जुड़ी हुई उनको आगे आने का मौका मिले। उत्तर प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने कि खेलों के माध्यम से नौकरी जो है उसमें भी आरक्षण किया है। प्रत्येक विभाग में 2% नौकरियों का आरक्षण किया गया है और जो कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के जो मेडलिस्ट हैं उनको रिकॉर्ड नंबर में 6 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ रुपए की धनराशियां दी जाती हैं। खेलों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है उसने बहुत संसाधनों की भी और अवस्थापना सुविधाओं की भी बहुत तरक्की की है और उसी से उसका नतीजा यह है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में हमें केवल 5 गोल्ड मेडल मिले थे। इस साल जो अभी राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें 21 गोल्ड मेडल मिले हैं तो ये लगभग गोल्ड मेडल में भी 4 गुना जो तरक्की है वो दिखाती है कि पिछले 6 सालों में खेलों में प्रतिभाओं को आगे लाने में और अवस्थापना सुविधाएं सृजित करने में बहुत काम हुआ है। इसमें काफ़ी पूरे देश से आए हैं, लगभग 12 टीमें हैं जिसमें प्रदेशों की भी टीमें हैं, ऑर्डिनेंस सेक्टरीज की भी टीम है, सर्विसेज की भी टीम है, आर्मी की भी टीम है, तो एक पूरा बड़ा अच्छा एक इसकी एक पूरे देश में एक पहचान भी बनी है इस टूर्नामेंट की और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें इसमें भाग ले रही हैं। थैंक यू। कोतवाली थाने की पुलिस ने लूट का प्रयास करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सराहिल अली उर्फ याशिर अली पुत्र तसव्वर अली निवासी बख्तियार मोहल्ला मस्जिद ए हुदा के पीछे थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा जैनुल आबदीन उर्फ जैब पुत्र निजामुद्दीन अंसारी निवासी बख्तियार मोहल्ला मस्जिद ए हुदा के पीछे थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा के अभियुक्त द्वारा समारोह चेतना तिराहे पर स्थित वादी के लड़के की दुकान से दुकानदारी का पैसा घर लेकर जाते समय रास्ते में बोरा पहनाकर लूटने का प्रयास करने तथा चिल्लाने पर आसपास के लोगों के आ जाने पर भाग जाने के संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक आशीष कुमार यादव, कांस्टेबल सचिन कुमार शामिल रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कुलपति ने एड्स से बचाव के उपायों को बताया तथा स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविकाओं को एड्स के प्रति जागरूक रहने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने साहसिक कार्यक्रम शिविर तथा प्री आरडी कैंप में प्रशिक्षित होकर आए स्वयं सेवकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रोफेसर केशव सिंह, डॉक्टर अमित उपाध्याय, डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह, प्रीति, शकुंतला देवी, भगवान दास, संजना गुप्ता, पूजा यादव, दिव्या मालवीय, विशाल गुप्ता, सागर चौधरी, ललिता मौर्य, अंकुर कुमार मिश्रा, अमन उपाध्याय, सुमित कसौधन, आनंद चौरसिया, राधेश्याम प्रजापति, शालू यादव, अंकिता, श्रुति सिंह, प्रियंका विश्वकर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, इसके तहत माननीय कुलपति जी जैसे हस्ताक्षर करके कार्यक्रम का संचालन के द्वारा राष्ट्र की प्रस्तुति स्वयं सजीव सुंदर समान
कार्यक्रम के प्रारंभ करते हुए ऐसे समय में जितेंद्र सोनी को मन पर जो आए और ये जगे जगे स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे प्रसार दे स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे। आप लोग तालियों से स्वागत करें। सम्मानित किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं आप लोग प्रशिक्षण में गए हुए थे जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए रीजनल कि आपके बच्चे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इससे अपने विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय सेवा माननीय कुलपति महोदय जी को अपने तरफ से एनएसएस परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप और आपके नेतृत्व में आगे भी करते रहेंगे। हम लोग के बीच में माननीय डीएसडब्ल्यू सर डॉक्टर अजय सिंह जी आए हुए हैं। आप लोग तालियों से स्वागत करिए। हमारे जनवरी में जाने वाली है उसके लिए भी चयन प्रक्रिया हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं और सभी स्वयं सेवकों को बता दें कि आप लोग प्रतिभाग करें। देखिए बच्चे अभी प्रतिभाग करके आए हैं। ये एक सिंबॉलिक है इतनी खतरनाक बीमारी है इसको आज मिल के मनाना और इसको जनरल अवेयरनेस में बात करना एनएसएस का एक सिंबॉलिक मैसेज है कि आप लोग किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं किस तरह से आप साफ सुथरा रह सकते हैं और इसको ये यहीं तक नहीं करना है इसको आगे तक मैसेज को लेके जाना है। हर बच्चा अपने शहर में अपने रास्तों में अपने गांव में अपने आस पास ये वातावरण बनाए और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहें और मेरी शुभकामनाएँ आज कल बच्चों को जो अवार्ड लेके आए। जय हिंद। इधर सर भारत माता की जय। हेलो भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। आज एड्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उस पर एक एनएसएस के तत्वाधान से एक रैली निकाली गई है उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये एक सिंबॉलिक है एक मैसेज देता है जनता में कि एड्स के प्रति हमें कितना जागरूक रहना चाहिए और एनएसएस इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और इसकी उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्ष प्रांत के पैगाम इंसानियत और मोहब्बत वतन का सम्मेलन हुआ संपन्न। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, मुसलमान और हिंदुओं की संस्कृतियों से हमारे पूर्वजों का DNA एक था और एक रहेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण व मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रीपेड टैक्सी चलाने के दिए निर्देश। ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 12 जी में कर रहे हैं प्रतिभाग, पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्त साहिल अली उर्फ यासिर अली और जैनुल आब्दीन उर्फ जैप को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान का किया गया आयोजन। रैली निकालकर लोगों को एड्स के प्रति किया गया जागरूक। ऑपरेशन सवेरा के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों को बीट कांस्टेबल डायल 112 घर पहुंचकर करेगी पंजीकृत। किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस करेगी मदद। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजू पटेल को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को CMO कार्यालय से निकाली गई जन जागरण जागरूकता रैली को CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, एड्स के प्रति समाज में कई तरह के मिथक और भ्रांतियों का खंडन कर जागरूकता का संदेश देना है रैली का मुख्य उद्देश्य। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, नजला, बुखार और बदन में अकड़न सहित अन्य मौसमी बीमारी से लोग हो रहे हैं बीमार। जिला अस्पताल के MD मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव करते हुए निकले घर से बाहर, ठंडे खाने के सामान का बिल्कुल ही ना करें सेवन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने ऑपरेशन सवेरा पर कहा कि यह ऑपरेशन पूरे प्रदेश में लागू है, जो कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं और उनके बच्चे बाहर हैं, उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, ऐसे बुजुर्ग को बीट पुलिस डायल 112 के माध्यम से रजिस्टर किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनके साथ कोई घटना होती है या किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो 112 नंबर डायल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनकी समस्या पुलिस विभाग से संबंधित है तो उनके समस्या का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो उनसे समन्वय बनाकर उनके समस्या का समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सवेरा का मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्ग व्यक्तियों के फोन से कोई कॉल आता है या मिस कॉल आता है तो कॉल बैक करके उनके समस्या का निस्तारण करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ये ऑपरेशन सवेरा जो है वो पूरे प्रदेश में लागू है और इसमें जो बुजुर्ग लोग, चाहे वो बुजुर्ग दंपति हो या कोई व्यक्ति अकेले रह रहा हो, उसके लिए ये योजना लागू की गई है सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि जो इस तरह के बुजुर्ग जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे बुजुर्गों को हम रजिस्टर करें बीट पुलिस के माध्यम से, 112 की गाड़ियों के माध्यम से, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी 112 नंबर डायल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर उनके साथ में कोई घटना होती है या अदरवाइज भी उनको अगर कोई सहायता चाहिए होती है असमय, तो 112 पर डायल करके वो सहायता ले सकते हैं। अगर उनकी समस्या पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है तो हम लोग उसका यथाशीघ्र उसका निस्तारण कराएंगे। यदि किसी अन्य डिपार्टमेंट से भी संबंधित है तो उसमें हम उनसे समन्वय करा करके उनके समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसकी खास बात यह है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति के फ़ोन से कोई
फ़ोन आता है, मान लीजिए मिस कॉल भी आती है, तो वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और उसके संबंध में हम उनको कॉल बैक करके उनसे उनकी समस्या जान करके उसका निस्तारण कराएंगे। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि अगर मान लीजिए मिस कॉल भी आ गया, अगर किसी डिस्ट्रेस में है तो भी पुलिस उन तक पहुँचेगी। 112 ही नंबर है। कैंट थाने की पुलिस ने लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजू पटेल पुत्र पुरुषोत्तम पटेल निवासी भगवानपुर खुर्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 2 मोबाइल घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अंजनी कुमार यादव, कांस्टेबल अंकित कुमार, वैभव श्रीवास्तव शामिल रहे। विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को सीएमओ कार्यालय से जन जागरण जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएमओ सहित अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर जन जागरूकता का संकल्प लिया। इस रैली में अयोध्या दास कन्या इंटर कॉलेज की छात्राएं और किन्नर समाज के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार सिर्फ रक्त और यौन संपर्क से होता है। इस बीमारी के मरीज के साथ रहने में कोई खतरा नहीं है। लोगों को एड्स मरीजों के साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ सामान्य जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि एड्स के प्रति समाज में कई तरह के मिथक भ्रांतियां हैं, इस कारण लोग मरीजों के साथ भेदभाव करते हैं। समाज में इन भ्रांतियों का खंडन कर जागरूकता का संदेश देना होगा तथा लोगों को बताना होगा कि एड्स के मरीज के साथ बैठने, सामान्य मेल मिलाप, हाथ मिलाने एवं एक ही बर्तन में खाना खाने और पानी पीने, मच्छर या खटमल के काटने से, एक दूसरे का कपड़ा एवं एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने से, एक साथ खेलने से तथा एक ही तरण ताल में नहाने से तथा खांसने और छींकने से तथा किसी प्रकार का आदान प्रदान से और मिलने से एड्स नहीं होता है। उन्होंने कहा कि HIV से एड्स की अवस्था में पहुँचने में 5 से 10 साल तक का समय लग जाता है। इस बीच समय से लक्षणों की पहचान कर दवाओं के नियमित सेवन, डॉक्टरी सलाह और खुद की देखभाल से इस समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में 5,290 HIV संक्रमित मरीज दवा लेकर सामान्य जीवन जी रहे हैं, इनमें से 380 बच्चे हैं तथा कुल 22 HIV संक्रमित गर्भवती महिलाएं हैं, जिनके सुरक्षित प्रसव के इंतजाम किए जा रहे हैं। TB मरीज के HIV ग्रसित होने की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए प्रत्येक TB मरीज की HIV जांच कराई जाती है। इस अवसर पर एडिशनल CMO डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर AK चौधरी, डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी एवं छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किन्नर एकता एवं CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, हो गया, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं होना चाहिए। HIV के जीवन जीने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान के साथ अधिकार मिलना चाहिए। एड्स का ज्ञान बढ़ाए जान, 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 HIV की जानकारी भैया फोटोग्राफी कर लो तो करो।
डीपीओ सर ने ठाना है, बनाना है, एसडीएमओ सर ने ठाना है, चाइबी मुक्त बनाना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने ठाना है, ये स्वरूप बनाना है। सीएमओ सर ज्ञान, स्वास्थ्य विभाग ने ठाना है, स्वास्थ्य विभाग ने नमस्कार, मेरा नाम एकता है, मैं एकता सेवा संस्थान के अध्यक्ष हूँ और आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पे हम इक्वालिटी की थीम के साथ हम लोग आज रैली का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारा एक उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति हैं जो एचआईवी से पीड़ित हैं या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिनको लैंगिक भेदभाव मिलता है, उन सभी लोगों के साथ में समानता का व्यवहार हो। आज 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, आज 2022 दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है, हम 23 में जाने वाले हैं और आज यही हम बात कर रहे हैं, यही आशा कर रहे हैं कि इक्वालिटी का जो माहौल है वो सब तरफ बने, कोई भी किसी से भेदभाव ना करे। एचआईवी आज से नहीं, बहुत वर्षों से हमारे बीच में है और एचआईवी की ऐसी जो, जैसा कि सीएमओ सर बता भी रहे थे कि एचआईवी कभी भी किसी के छूने मिलने साथ रहने से नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी इस बीमारी की वजह से लोगों के साथ भेदभाव होता है और उनको घुटन और तनाव की वजह से वो आत्महत्या तक करते हैं। तो ऐसी बीमारी को महामारी बनाने में जो भेदभाव था वो सबसे बड़ा कारण था और आज हम उसी थीम के साथ बात कर रहे हैं, इक्वालिटी, समानता और एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। एचआईवी ऐसा नहीं है कि एचआईवी किसी को छूने से फैलता है, तो हमें बस यही संदेश देना है कि ना किसी के साथ बीमारी की वजह से भेदभाव हो, ना किसी को लैंगिक भेदभाव हो। किन्नर समुदाय का नेतृत्व करते हुए मैं किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य, एकता सेवा संस्थान के अध्यक्ष, मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी समाज के लोग हैं उनको ये जागरूक होना चाहिए कि एचआईवी किसी के साथ छूने से नहीं फैलता है और एचआईवी का मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई कह सकते हैं कि कैरेक्टर ख़राब है, क्योंकि चारित्रिक जो भेदभाव बनता है इस बीमारी की वजह से वो गलत है। एचआईवी किसी भी कारण से हो सकता है, वो संक्रमित सुई, संक्रमित सीनिंज, संक्रमित माँ से, या कभी किसी संक्रमित ब्लड के चढ़ जाने से, या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। लेकिन जो भी समाज में भावनाएं बनती हैं लोगों की, वो ये समझते हैं कि एचआईवी सिर्फ यौन संबंध बनाने से होता है, लेकिन इसके और भी कारण हैं जिसको हमें समझना होगा और किसी की भी चारित्रिक भेदभाव को नहीं करना चाहिए। एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ब्लड के सर्कुलेशन फैलती है, ना कि छूने से। तो भेदभाव को छोड़ें, समानता लें और सभी को एक साथ चलें और सबको एक साथ समझें। थैंक यू। देखिए, आज एड्स जागरूकता दिवस है, आज विश्व एड्स दिवस है। आप लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों के अंदर जो है एड्स के प्रति जागरूकता के लिए इस दिन का चयन किया है, जिससे कि इस दिन जो है एक थीम दी जाती है, समानता और सम्मान इस वर्ष की थीम है। और एड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एड्स की जानकारी ही हमारा बचाव होता है। एड्स किसी को छूने से नहीं होता है, एड्स बेसिकली तब होता है जब हम संक्रमित इंजेक्शंस लेते हैं या संक्रमित माँ से बच्चों में जाता है या संक्रमित रक्त चढ़ाया जाता है या कोई ऑपरेशन प्रोसीजर्स हमारे संक्रमित इंस्ट्रूमेंट से हो जाते हैं, और या तो हमारा जो होता है यौन से होता है जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क करते हैं। तो ये सब जानकारियों के लिए आज का दिन पूरा समर्पित होता है कि लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा की जाए और जिससे कि, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और जिसके कारण जो है हमें तरह तरह की वो बीमारियां जो हमारे शरीर में हमेशा रहती हैं वो बीमारी बना लेती हैं। और इसी के कारण जो होते हैं आजकल, जैसे देखा जाता है कि टीबी की वजह से एड्स के ज़्यादातर मरीज़ टीबी की वजह से मरते हैं,
टीबी एचआईवी को बढ़ा देती है, एचआईवी टीबी को बढ़ा देती है, इसी के कारण जो होता है, और इसी प्रकार की अन्य और तरह तरह के कैंसर्स कर देते हैं। गोरखपुर जनपद में अगर हम बात करते हैं तो 5200 से ज़्यादा एचआईवी के केसेज हैं, 22 गर्भवती माताएं एचआईवी से संक्रमित हैं, करीब 400 बच्चे जो हैं एचआईवी से संक्रमित हैं, और हमारे पास 60 से ज़्यादा टीबी के मरीज हैं जो एचआईवी से संक्रमित हैं उनका। इसी उपलक्ष्य में आज जो है हमारा विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के साथ मिलकर के, डीटीओ साहब के साथ मिलकर के, तथा न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया, और जैसा कि आप लोगों ने देखा इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और सच में हम लोगों का यही एक सपना है एचआईवी एड्स मुक्त हो गोरखपुर अपना। इसी संकल्प के साथ हम लोग जो है आज इस सभा का आयोजन कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में तरह तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसको हमारे डीटीओ साहब और हमारा ये न्यू हेल्प इंडिया फाउंडेशन के सदस्य इसमें लेकर के करेंगे, और आम लोगों के और भी गोरखपुर के जो एनजीओज हैं वो सारे एनजीओ स्कूलों में रैली की जाएगी, निबंध प्रतियोगिता होगी, और एनजीओ के द्वारा जगह जगह पर जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों के बीच में चौराहों पर जो है जागरूकता की जाएगी, जो हमारे अदर एनजीओज हैं सामने कैंडल मार्च भी करेंगे और एकता की तरफ। और इसी के क्रम में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, उसका किया, बाकी विस्तृत चर्चा जो है हमारे डीटीओ साहब आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, और इस कार्यक्रम की सफलता से ही हम लोग जो है एड्स से गोरखपुर को मुक्त बनाएंगे। ये हम लोग सभी लोगों का यहाँ पर जितना उपस्थित जनसमुदाय लगभग जो 1000 के आसपास है, सबका संकल्प यही है, और सब लोग एक न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे, घर घर ये संदेश बढ़ाएंगे, एड्स के रोगी से घृणा नहीं करना चाहिए, हमें एड्स से घृणा करना चाहिए, एड्स के रोगी जो होते हैं ये घृणा के पात्र नहीं होते, इनको चिन्हित कीजिए, इनकी जाँच कराइए, राजकीय चिकित्सालयों में इसकी निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, और तरह तरह के जो हैं इनकी जांचें होती हैं, और इनको जो है लाइफ में सपोर्ट के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जो डीटीओ साहब के नेतृत्व में पूरे गोरखपुर में चलाई जाती हैं, और ये हमारे जितने भी एनजीओज हैं सब उसमें तरह तरह से हेल्प करते हैं कि एड्स का मरीज का जीवन कैसे सफल हो, कैसे वो सकारात्मक हो, कैसे वो समाज की मुख्य धारा में आवे, उसमें हमारे इन एनजीओज के जो सदस्य हमारे साथ खड़े हैं इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और आज सभी लोगों ने हमारे इस रैली का हिस्सा बने, इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं। सजग रहें, सतर्क रहें, सजगता ही जागरूकता ही एड्स से बचाव करती है। धन्यवाद। मौसम करवट ले रहा है, दिन में धूप तो रात में घरों से बाहर रहने पर गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। इस बदलते मौसम में सावधानियां नहीं बरते जाने पर लोग सर्दी, खांसी, नजला और बुखार, बदन में अकड़न सहित अन्य मौसमी बीमारी से लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके संबंध में जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीज बढ़े हैं, और जो सांस रोग से ग्रसित मरीज हैं इन मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ठंड से बचने के लिए सुबह शाम मफलर, स्वेटर और गर्म कपड़े प्रयोग करें, तथा ठंड से बचाव करते हुए घर से बाहर निकलें, और इस मौसम में फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम तथा कोई भी ठंडी खाने वाले सामान का बिल्कुल ही सेवन ना करें, ताजा स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें तथा गर्म पानी पिएं। अगर खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या आती है तो अपने नजदीकी डॉक्टर या जिला अस्पताल के डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। उन्होंने कहा कि पहले मरीजों की संख्या को देखते हुए इस मौसम में 10% मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमडी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, जाना है।
गुलाबी ठंड का मौसम बढ़ गया है, किस तरह बढ़ जाएगा क्या? इन दिनों पिछले एक हफ्ते से सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, और पूर्व से जो सांस रोग से ग्रसित हुआ करते थे उन वो भी मरीज अब आ रहे हैं कि उनको सर्दी खांसी और सांस फूलने की तकलीफ बढ़ गई है, तो इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है इधर। ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? हाँ, पहले इस तरह के मरीज थोड़ा कम थे, लेकिन इधर ज़्यादा आ रहे हैं। क्या उपाय इससे बचने के लिए? इससे उपाय यही है कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ठंड से बचें। सुबह शाम काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो स्वेटर और मफलर जैकेट आदि का प्रयोग करें, और बाहर जब भी निकलें तो अपने आप को ठंड का बचाव करते हुए निकलें। पीने और खाने में क्या? खाने पीने में है कि ठंडे पानी का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह न लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, और ताज़ा स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें, और जब भी सर्दी खांसी जुकाम हो तो उसके लिए बाकी जो रेगुलर जो शुगर ब्लड प्रेशर ये सब के मरीज आया करते थे, सर दर्द के आते तो आते ही हैं, लेकिन सीजनल वेरिएशन की वजह से जो सर्दी जुकाम के मरीज हैं वो तो उनकी तादाद कुछ बढ़ी है। प्रतिदिन कितने मरीज आ जाते हैं सर? ये समझिए कि सामान्यतः 10% का इजाफा हो गया है, जितने भी मरीज पहले आते थे उसमें 10% का इजाफा मान सकते हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्ष प्रांत के पैगाम इंसानियत और मोहब्बत वतन का सम्मेलन हुआ संपन्न। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेंद्र कुमार ने कहा, मुसलमान और हिंदुओं की संस्कृतियों से हमारे पूर्वजों का DNA एक था और एक रहेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण व मंजिली सड़क सुरक्षा समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रीपेड टैक्सी चलाने के दिए निर्देश। ब्रह्मलीन महंत बैद्यनाथ जी महाराज के चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 12 जी में कर रही है प्रतिभाग, पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्त साहिल अली उर्फ यासिर अली और जैनुल आब्दीन उर्फ जैप को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान का किया गया आयोजन। रैली निकालकर लोगों को एड्स के प्रति किया गया जागरूक। ऑपरेशन सवेरा के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों को बीट कांस्टेबल डायल 112 घर पहुंचकर करेगी पंजीकृत। किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस करेगी मदद। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजू पटेल को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 2 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को CMO कार्यालय से निकाली गई जन जागरण जागरूकता रैली को CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, एड्स के प्रति समाज में कई तरह के मिथक और भ्रांतियों का खंडन कर जागरूकता का संदेश देना है रैली का मुख्य उद्देश्य। बदलते मौसम में सर्दी खांसी नजला बुखार और बदन में अकड़न सहित अन्य मौसमी बीमारी से लोग हो रहे हैं बीमार। जिला अस्पताल के MD मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव करते हुए निकले घर से बाहर, ठंडे खाने के सामान का बिल्कुल ही ना करें सेवन।
अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।